हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एहतशाम फारूकी फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। टुडे इन ऑनलाइन लेक्चर वी विल लर्न सम मोर बेसिक सी प्रोग्राम। सो हेयर टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी इजी प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज in which we will learn how we can print ASCII value of a character with the help of code. हम लोग ASCII values C language में किस तरीके से print कर सकते हैं code के through। हम सभी ने पढ़ा ASCII क्या होता है। ASCII the American standard code for information interchange, ये बहुत important एक standard है जो कि information interchange करता है। It is a character encoding scheme used for electronics communication. Each character or a special character is represented by some ASCII code, and each ASCII code occupies 7 bits in memory. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 bits in memory की, but we have 8 bits also. So we have got ASCII 7 and ASCII 8. So this time we are working on ASCII 7. In C programming language, A character variable does not contain a character value itself, rather the ASCII value of the character variable. मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, कोई भी कैरेक्टर एंटर करते हैं, तो कैरेक्टर वैल्यू जो होती है वो कुछ भी कैरेक्टर वैल्यू जो भी हमारा वेरिएबल है वो कंटेन नहीं करता, वो उसकी पर्टिकुलर ASCII वैल्यू होती है। तो हर कैरेक्टर की, हर कैरेक्टर वेरिएबल की ASCII वैल्यू होती है। अब हम वो ASCII वैल्यू कैसे पता लगाएं इसको हम देखेंगे। The ASCII value represents the character variable in numbers, and each character variable is assigned with some number range from 0 to 127. For example, the ASCII value of A is 65. हमने यहाँ इस बात को देखा कि हर ASCII हर ASCII कैरेक्टर को हम प्रिंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। जितने भी कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं ASCII वैल्यू उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि जैसे हमने एक ए एंटर किया तो उसकी ASCII वैल्यू 65 होती है। जैसे कि हमने रेंज बताई है यहाँ पर, हर नंबर की जो रेंज, हर ASCII कैरेक्टर का जो रेंज है वो 0 टू 127 नंबर्स के बीच में होता है। यहाँ पर जो ए हमने एक कैरेक्टर यूज़ किया है उसकी उसकी ASCII वैल्यू कितनी, 65। तो इस तरह से कोई भी कैरेक्टर है उसकी ASCII वैल्यू के फॉर्म में वो सेव होता है। इन द एग्जांपल वी असाइन ए टू द कैरेक्टर वेरिएबल हुज ASCII वैल्यू इज 65, सो 65 विल बी स्टोर्ड इन द कैरेक्टर वेरिएबल रादर देन ए। हम यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है इसमें अगर हम एंटर कर रहे हैं के, तो एक्चुअली ए विल नॉट बी स्टोर्ड इन द कैरेक्टर वेरिएबल, इट्स ASCII वैल्यू ए जो है वो स्टोर नहीं होगा कैरेक्टर वेरिएबल में, उसकी ASCII वैल्यू स्टोर होगी। और ASCII वैल्यू के ही थ्रू, बेस्ड ऑन ASCII वैल्यू जो ए है उसको मैनिपुलेट करेंगे। नाउ हियर वी हैव गॉट अ प्रोग्राम विच विल डिस्प्ले द ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर वेरिएबल। अब हम किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल की ASCII वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, और कैसे करेंगे, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बहुत इजी है, हम आपके लिए बहुत सिंपल कोड में लेके आए हैं जिससे कि आप किसी भी बिगनर्स को सी प्रोग्रामिंग के डिफ़िकल्टी नहीं होगी। यहाँ पर सिंपल सा हमने देखा है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में, ये दो चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन, दिस इज़ द ड्राइवर प्रोग्राम, ड्राइवर फंक्शन मेन। नाउ हेयर हम सबसे पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि हमने टाइप दिया है खैर, एंड द वेरिएबल नेम इज सी एच। हेयर वी हैव डिक्लेयर्ड कैरेक्टर वेरिएबल सी एच, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे, एंटर अ कैरेक्टर, ये मैसेज यूजर के लिए होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन के की मदद से हम कोई भी कैरेक्टर रिसीव करेंगे कीबोर्ड से। एज वी नो पर्सन सी फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, एम परसेंट इज़ अ रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, सी एच इज़ अ वेरिएबल।
तो जो भी हम कैरेक्टर एंटर करेंगे वो सी एच में जाके स्टोर होगा। रिमेंबर, जो भी इनपुट दे रहा है कैरेक्टर के फॉर्म में, वो एक्चुअली आस्की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। अब हम ये कैसे मालूम करेंगे, हाउ वी विल नो एंड आइडेंटिफाई दी आस्की वैल्यू ऑफ द गिवन कैरेक्टर। सो हेयर दिस लाइन विल क्लियर दिस कन्फ्यूजन, दिस क्वेश्चन। सो हेयर हमने प्रिंट एफ में लिखा है एक मैसेज, द एस्की वैल्यू ऑफ द सी एच वेरिएबल इज परसेंट डी सी एच। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर जो हम नंबर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं उसको आपको लिखना है, और द सेम वेरिएबल, तो परसेंट डी क्या करेगा, ये नंबर के फॉर्म में जो सी एच के अंदर जो हमने कैरेक्टर स्टोर किया है उसकी एस्की वैल्यू प्रिंट कर देगा। हियर रिटर्न इज ज़ीरो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्राम, वेरी इम्पॉर्टेंट एंड लिटिल प्रोग्रामिंग, लिटिल प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एस्की वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर वेरिएबल। सो इस तरह से आप किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल की एस्की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है सी एच जिसका टाइप है कैरेक्टर, बिकॉज हमें कैरेक्टर स्टोर करना है एंड उसकी एस्की वैल्यू प्रिंट करनी है। हमने यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले किया है स्क्रीन पे, व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, स्कैन एफ परसन सी सी एच, दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूज़र। नाउ आफ्टर रिसीविंग द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट दी आस्की वैल्यू ऑफ द एंटर्ड कैरेक्टर। हेयर द सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इन द अबव एग्जाम्पल, द फर्स्ट यूजर विल गिव द कैरेक्टर इनपुट एंड द इनपुट विल गेट स्टोर्ड इन द सी एच वेरिएबल। जैसा मैंने आपको बताया, इफ़ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द सी एच वेरिएबल बाई यूजिंग सी फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन इट विल डिस्प्ले ए बिकॉज वी हैव गिवन द कैरेक्टर इनपुट एज ए। हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम ए की सी एच की वेरिएबल, सी एच वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने जो एंटर करी है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें पर्सन सी फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा जो कि ए को डिस्प्ले करेगा बिकॉज हमने ए एंटर किया है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिंट द आस्की वैल्यू ऑफ द एंटर्ड कैरेक्टर, यू हैव टू गिव पर्सन डी फॉर्मेट स्पेसिफायर। सिर्फ आपको पर्सन डी लिखना है पर्सन सी के जगह पे, इन प्लेस ऑफ पर्सन सी यू विल लाइक पर्सन डी, देन इट विल डिस्प्ले द आस्की वैल्यू ऑफ द इनपुट कैरेक्टर। सो हेयर वी हैव एंटर्ड कैरेक्टर ए एंड इट्स आस्की वैल्यू विल बी 65। आउटपुट आप देख सकते हैं, दिस इज द मैसेज विच वी हैव डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन, द आस्की वैल्यू ऑफ द सी एच वेरिएबल इज 65, दैट वुड बी योर आंसर। सो हेयर दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू प्रिंट आस्की वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर विच यू एंटर। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। आर ईमेल आईडी इज देयर एंड माई वेबसाइट एड्रेस इज sageuniversity.edu.in एंड आर सिस्टम कंसर्न्स आर SUI, SGI, ACC, SIS। सो गाइज नाउ आई एम एंडिंग अप दिस लेक्चर, श्योरली वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।